क्लास सेवेंथ हम लेट्स ट्राई फोर करेंगे आज, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई गिवन बिसाइड्स देम। तो आपको वेरीफाई करना है इनको फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। एसोसिएटिव में एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक्स वाई जेड, आपको ये बताना है किस तरह से। ठीक है, आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्स इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 5। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स, यानी चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एल एच एस शुड बी इक्वल टू आर एच एस, तभी वे कम्यूटेटिव होते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेट्स ट्राई फोर में मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। तो -4 इज द वैल्यू ऑफ x एंड 5 इज द वैल्यू ऑफ y, तो -4 इंटू 5 एंड y इंटू x, यानी 5 इंटू -4। तो बोथ साइड यू विल गेट -20, -20, -20, सो इट इज वेरीफाइड। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में x इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू -6। तो इसमें अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, x इंटू, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है, ये है x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तो ये y इंटू जेड ब्रैकेट में है और यहाँ पर x इंटू वाई ब्रैकेट में है। इसका मतलब है कि हमें जो ब्रैकेट में है उसको पहले सॉल्व करना है। तो वैल्यूज रख देते हैं हम, x की वैल्यू -10 है, y की वैल्यू 7 है, z की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू -10 है, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू -6 है, हमें रख दी। तो पहले हम 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो जाएगा -42 और -10 को इसके साथ रखेंगे। -10 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -70 और -6। ठीक है, अब -10 इंटू -42 ये हो जाएगा -, तो ये 420 हो गया, और 70 इंटू 6 -, तो 420 हो गया। ये दोनों 420 आ रहे हैं, 420। ठीक है, वेरीफाइड, तो ये वेरीफाइड हो गया क्योंकि दोनों तरफ RHS, ये LHS होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और बोथ साइड आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो उसको देखते हैं हम जरा, ये है बाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी में x इज इक्वल टू -42, y इज इक्वल टू 51 एंड z इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है, तो हम एडिशन में चेक कर लेते हैं, एक सब्ट्रैक्शन में भी होता है, एक एडिशन में होता है, हम एडिशन में चेक कर लेते हैं। x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड, यानी x इंटू वाई और x इंटू जेड, ये प्रूव हो जाएगा। तो ठीक है, तो -42 इज द वैल्यू ऑफ x, 51 इज द वैल्यू ऑफ y एंड z कितना है 49। ठीक है, इसको पुट करते हैं इसी के हिसाब से, x इंटू वाई -42 इंटू 51, x इंटू z -42 इंटू 49। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 51 प्लस 49 100 हो गया। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 और 51 को, ये -2142 आ रहा है, और -42 और 49 करेंगे तो -2058 आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4200 आ गया, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे -4200। तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि वेरीफाइड ये प्रॉपर्टी भी जो है वो हमने प्रूव कर दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि यूज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड सॉल्व। आपको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे, जैसे 18 इंटू 5 10 दिया हुआ है, इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए किया है, एक नहीं दो किए हैं मैंने, एक ये किया है ए और एक डी, तो मैं ये दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इनको करना है। ठीक है, बाकी आप करेंगे। 18 इंटू 510 है, इसमें क्या है, 510 को मैं लिख सकता हूँ 500 प्लस 10। ठीक है, इससे आसान रहेगा, आप 18 से 510 में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे अच्छा रहेगा 500 प्लस 10 में करें। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई एंड x इंटू जेड, यानी 18 500 प्लस 10 करेंगे तो एक बार 18 500 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार 18
10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। तो 18 को 5 से करेंगे तो 85 या 90, तो ये 9000 हो गया। 18 से 10 करेंगे तो 180 हो गया, और ऐड करेंगे तो 9180। तो आपका तरीका होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन से आपको इसे करना है। और डी मैंने किया था -89 + 98, तो 98 को आप 100 - 2 रख सकते हैं भाई, 98 को 100 - 2 ही कहेंगे ना। तो ये भी बन गया भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये सब्ट्रैक्शन में लगाएंगे, ठीक है। तो -89 × 100 - 89 × 100 और फिर -89 × 2 माइनस लगा के -89 × 2, ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो -8900 हो गया और -± हो गया 178, और यहाँ फाइनली 178 8900 में से माइनस हो जाए, मतलब इसमें से कम हो जाएगा, -8722 इज योर आंसर। तो आराम से आप कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी के भी ये क्वेश्चन, ठीक है। इनमें सभी में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन पर है, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग एनी सूटेबल प्रॉपर्टी। अब आपको आपके पास प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, एक तो क्लोजर, फिर कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें क्लोजर में कुछ होता नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एसोसिएटिव करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए, फिर बाकी आप अपने आप करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन पहला कर दे रहा हूँ मैं इसमें, 32 × -56 + 32 × 66। इसमें देखो आप 32 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब है जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी में दूसरा पार्ट होता है जिसमें हम 32 को दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं वो दिया हुआ है। तो हम इस 32 को बाहर भी ले सकते हैं, कैसे, x × y + z लिखा है तो x को y के साथ भी लिख रहे हैं, x को z के साथ भी लिख रहे हैं। अगर मुझे ये वाला पार्ट दिया हो तो मैं यहाँ से x बाहर करके y प्लस z भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही। x यहाँ भी मैं इस x को बाहर करके इस वाले पार्ट को भी तो लिख सकता हूँ। तो वही मैं कर रहा हूँ कि 32 × -56 + 32 × 66 है। अब इसमें 32 दोनों में है तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके 32 को बाहर कर दूँगा, 32 को बाहर कर दूँगा और यहाँ पर आएगा -56 + 66। अब -56 + 66 का मतलब हुआ 10 आएगा यहाँ पर, तो 32 × 10 यानी 320 हो गया। ये कितना हो गया, 320। यानी बाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये डिटेल हम बता देंगे कि इससे कर रहे हैं हम। अगर इस पार्ट से इसको लिख सकते हैं तो इधर वाले पार्ट से इसको भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे यूज करके हम आसानी से कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाई 1 द रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। अगर आप इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो अगर ये फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो मैंने लिखा है, देखो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हेन वी मल्टीप्लाई अ इंटीजर बाय 1 द रिजल्ट इज ऑलवेज दैट इंटीजर इटसेल्फ। यानी उस वो इंटीजर ही तो रिजल्ट होगा। सपोज आप 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट क्या होगा, 5। अगर आप -5 में मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से तो रिजल्ट क्या होगा, -5। तो वो इंटीजर ही तो आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे। तो आपको बस ये दो लाइन लिखनी है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ इंटीजर बाय 1 द रिजल्ट इज ऑलवेज दैट इंटीजर इटसेल्फ। और इसमें आप एक एग्जांपल भी डाल सकते हो, कोई भी माइनस प्लस का कोई नंबर लेके उसे मल्टीप्लाई कर दो 1 से और इक्वल टू वही नंबर आ जाएगा, तो उसे दिखा देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। फिफ्थ क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज बिटवीन -16 and -20, फाइंड एट लीस्ट 5 सच पेयर्स। तो प्रोडक्ट दो इंटीजर्स का क्या है, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो -16 और -20 के बीच में आ रहा है। यानी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो रिजल्ट है, उनका जो आंसर आएगा, वो वैल्यू जो है वो -16 और -20 के बीच की है। ऐसे 5 पेयर्स आपको बताने हैं। तो देखो आप देखें कि मैंने ऐसे पेयर बना दिए हैं। देखिए -6 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -18 आ रहा है। ये दो इंटीजर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें -18 आ रहा है। इसका मतलब ये -16 और -20 के बीच में है। सेकेंड इज -9 × 2 यानी -18, -19 × 1 यानी -19, -17 × 1 -17 और -18 × 1 -18।
तो ये सारे जो पेयर्स हैं इनकी वैल्यूज -16 और -20 के बीच में है, क्योंकि -16 और -20 के बीच में -17, -18 और -19 तीन ही तो नंबर आ रहे हैं, तो वही यहाँ पर आ सकते हैं, और उसी के बेसिस पे मैं ये 5 पेयर्स बना दिए मैंने, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा कि रोशनी परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ ईच ऑफ द टू कंपनी, द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर बेंट डाउन बाय 25 एंड वैल्यू ऑफ कंपनी बी शेयर इंक्रीज बाय 55, फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन हर इन्वेस्टमेंट। तो आप इसे किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और एक दो क्वेश्चंस मैंने पहले छोड़े हैं, इन क्वेश्चंस को आप, इस क्वेश्चन को आप करिएगा, ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपनी क्वेरी कर सकते हो, आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो मेरे पास कि सर हम नहीं कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं बता दूंगा इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग के केवल शो करना है आपको कि ये कैसे किया जाएगा, ये जो इसका प्रॉफिट और लॉस जो है वो शो करना है आपको, ठीक है। तो आप इसको करिएगा, ऑफिस सेंड करिएगा, और जिस अगर कोई नहीं आ रहा है बिल्कुल किसी को, तो आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।